है आप लोगों के लिए एक पहल जिसको कि बहुत ही सराहा गया, और जी आप मेरे लाइव में रहना कल। और हाँ, मैं ये कह रही थी कि एक पहल आप लोगों के लिए है, क्योंकि कल ही हमने देखा कि एक बिछड़े हुए गुरु और शिष्य मिले, और गुरु जी उनके बहुत हम लोग को आशीर्वाद दिए कि मेरे शिष्य से जो इतने समय से मिल नहीं पाए उनसे मिलवा दिया आपने, रूपम जी धन्यवाद। तो कई बार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसा आज हुआ। इट्स ऑल राइट, वेरी गुड राधे राधे, ऑल द बेस्ट, बढ़िया, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, हैंडसम, वंडरफुल, अफलातून, अब दिलदार, वाह वाह, तो हम लोग पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं अपने पिताजी का, हृदय नारायण मिश्रा जी। और लाइट आपके सामने से आए, ऐसा उस साइड मूव कर लीजिए। हाँ तो चलिए, सभी लोग जानते ही हैं कि मेरे पिताजी का नाम हृदय नारायण मिश्रा जी है, और वो जो मेरे नाम के आगे हृदय लगता है वो इन्हीं का नाम है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये कौन सा टाइटल हुआ, तो ये मेरे पिताजी का नाम है। तो आज पहली बार लाइव में जुड़े हैं अजय जी, प्रणाम कह रहे हैं, तो एक बार आप भी कुछ कह दीजिए। मैं रूपम हृदय परिवार में जितने भी लोग हैं जुड़े हुए हैं, लाइव देख रहे हैं, और उन सबको मेरा नमस्कार है। और अजय जी के बार बार कहने, वो लगभग प्रतिदिन कहते हैं, तो मुझे लगा कि शायद वो नाराज ना हो जाए, और अभी कोई आ नहीं पा रहे थे तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया है। तो सभी को मेरा नमस्कार है। वैसे मैं प्रॉपर आना चाहता था, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो आ जा रही। हाँ मैं प्रॉपर तरीके से लाइव में जुड़ के आना चाहता था, वैसे जहाँ लोग ये लोग लाइव आते हैं वहाँ बैठ के, लेकिन अजय जी का काफी रिक्वेस्ट था इसलिए मैं अभी आ गया हूँ। तो सभी का स्वागत है, आप लोग इतने प्यार देते हैं दोनों को, अच्छा कर रहे हैं ये लोग। लगभग 1 साल से प्रतिदिन आ रहे हैं, 6 महीना से तो प्रतिदिन आ ही रहे हैं, और आप लोग भी प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, तो एक परिवार की तरह लग रहा है हमें भी। और अब जिस दिन ये लोग लाइव नहीं आते मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं इससे महसूस करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। और अगर कोई कुछ और पूछना चाहते हैं तो इनके बारे में, मेरे बारे में, तो पूछ सकते हैं। अजय जी ने पूछा है कि आप हम लोगों को कब से जानते हैं? सही सवाल, अच्छा सवाल किया उन्होंने। अजय जी को मैं लगभग 2-2.5 साल से जानता हूँ। नहीं, अजय जी अजय को जी कह मैं, रहे हैं हम लोग को कब से जुड़े, हम लोगों को कब से जानते हैं। अच्छा, कलाकार को कब से जानते हैं? मैं तो इनको बहुत पहले से जानता हूँ, जब से ये मुझे नहीं जानते थे, क्योंकि ये तो तब मुझे जानने लगे हैं जब ये जानने के योग्य हुए हैं। तो ये जब जानने के योग्य नहीं थे तब से मैं इन्हें जानता हूँ, क्योंकि मैं उस समय भी जानने के योग्यता रखता था। और अजय जी बताइए। और कुछ सवाल हो? आज मेरे पिताजी स्वयं जुड़े हैं, और मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतर समय है अभी हमारे लिए। तो आप लोगों की संस्कृति जी, जो जय भी कोई हिंद। संस्कृति जी जुड़ गई है इसी बहुत अच्छे टाइम पे, तो आप लोगों का कुछ सवाल हो हृदय फैमिली से रिलेटेड या हम लोग से रिलेटेड, तो आप लोग डायरेक्ट मेरे पिताजी से पूछ सकते हैं। बस थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखिएगा, नहीं तो मेरे अंदर की जो काली माता है वो जाग जाती है कोई कभी नहीं, कभी। मैं स्वयं हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। राजीव जाजी, ये संस्कार की बात आप कर रहे हैं, हम और आप तो मिथिला, आप झा हैं इसलिए तो पक्का आप मिथिला से हैं ही, क्योंकि मिस्र और बाकी बाकी जो टाइटल है मिथिला में वो और कई राज्य में हो सकता है, लेकिन झा केवल मिथिला में ही है, ये पक्का कंफर्म है। तो आप मैथिल हैं, तो संस्कार तो मुझे भी मिथिला से ही मिला है और मेरे में से संस्कार इनमें गया, तो ये धन्यवाद तो हम मिथिला को ही देंगे, और मिथिला के संस्कार को, अपने पूर्वजों को, जो संस्कार हम में आ रहा है और हमारे द्वारा फिर इनमें जा रहा है, फिर आगे चलता रहेगा, तो संस्कार मिथिला का ही है। दो लाइनें तो हम लोग सुनेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद अभी कुछ सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अक्सर जो मुझसे पूछे जाते हैं, तो आज मेरे पिताजी स्वयं हैं, तो हम लोग आप आराम लोग करेंगे, और हम लोग ऐसे करके देखेंगे। तो हम लोग दर्शक हैं और आप लोग पूछ सकते हैं।
जय हिंद जय हिंद जय 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 हिंद जय हिंद जय जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। मेरे सवाल है साईं बाबा के गाने, तो मेरे पिताजी ये गुत्थी सुलझाएंगे। तेरी रहमत की किस्सा अकबर करे क्या, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। बाकी रवि गाएगा। तो ये स्वर अचित तो नहीं था, लेकिन क्योंकि ये जीतू जी का था प्रश्न, जीतू जी लेंगे नेक्स्ट, जो थर्सडे का दिन आने वाला है उसमें लेंगे, यही वाला गाना लेंगे फिर से। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। आपके संजय वर्मा सवाल जी राम राम कर रहे हैं और राम 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 राम। मैं हाँ एक दो हाँ गाना ये गाऊंगा लाइव में डायरेक्ट आके। मेरी बड़ी बेटी भी आ गई है, मैं कब से ढूंढ रहा था, रानी वो आज हृदय, जुड़ी नहीं। एक टीम पे दो एक दो लोग जुड़ सकते हैं क्या? नहीं नहीं जुड़ सकते। रानी हृदय जी, कुछ सवाल हो आपका तो बताइएगा। आज तो हम कुछ भी कह सकते हैं, आज पापा स्वयं है तो आप बोलिए। वाह वाह, तभी तो ये लोग इतना अच्छा गाती है, गाने के लिए पूर्ण रूप से म्यूजिक के साथ। हाँ देखते हैं हाँ बिल्कुल किसी दिन बिल्कुल। वो भी, किसी दिन वो भी होगा। गुरु जी आपका कुछ सवाल हो तो पूछेगा, जो आप घर आके पूछ नहीं पाते। कोई बात नहीं, संस्कृति जी ब्लॉक इग्नोर कीजिए, उन्हें आते रहते बीच बीच में। अभी ये लाइव को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, कमेंट चलने दीजिए, हम लोग बाद में भी लाइव देखते हैं तो ब्लॉक करते हैं, कोई समस्या नहीं है। इस चीज की वजह से लाइव को ये थोड़ा, हाँ फोन को इसी पोजीशन पर रखिएगा क्योंकि ये बीच बीच में अंधेरा हो जा रहा है। तो अजय सर मेरे लिए गाने, आप वो अजय सर इनके बाद आने वाले हैं, और कुछ सवाल हो तो बताइएगा। सवाल लिख रहे हैं गुरु जी, मुझे दिख रहा है, मुझे मेरी मन की आंखों से दिख रहा है। बहुत भावपूर्ण रचना सब केने चाहिए सर अपने प्रणाम। विनय ठाकुर जी कह रहे हैं। विनय ठाकुर जी लगता है हमको पहले से जानते हैं, विनय ठाकुर बिना जी ये धन्यवाद। चेहरा देखब तो भौसकिया सके चिन्ह जाए हम। हाँ नेटवर्क आए उनका। और नेटवर्क के इशू छलिया, हार्मोनियम तो बाजा लागल छलिया, लेकिन नेटवर्क के छलिया दिक्कत। तो कल म्यूजिकल लाइव चैट होगा तो उसमें जुड़िएगा, कोई बात नहीं, एक कोशिश करते हैं। एक संगम करते हैं हम लोग। अरे वाह जबरदस्त। हाँ क्या बात, नमस्कार साहब, नमस्कार प्रणाम, सादर प्रणाम। अब देखिए अजय जी, ये भी ट्रेंड आपको। बन जाएगा, ये भी ट्रेंड बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छा कर दिया इन लोगों ने। जी मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा हो पाए, तो ये तो बहुत ही अच्छा कर दिया। बस आप सोच तो नहीं, हो ही जाता है। हाँ सोचना तो पड़ता है होने के लिए। अब ये पूछ रहे हैं आप, आपसे कोई सवाल है, आपसे क्या सवाल करेंगे? कुछ भी दो हमारे दो बारे दो दो जवाब सामने बैठे हैं ना। में। ये लाजवाब कहा आपने। सवाल आया क्या साइड हाँ साइड से सवाल आया। दोनों को प्रणाम कर रही है संस्कृति जी। संस्कृति जी सभी आपको बहुत जय मिस हिंद करते हैं। जय हिंद, संस्कृति जी को जय हिंद। जय हिंद, आशीर्वाद है संस्कृति जी को। विनोद जी महाराज झा जी, राधे राधे। महाराज जी भी एक राधे दिन राधे राधे। जुड़िएगा। लाइट एम्बेसडर का जी इसमें कह प्रॉब्लम है रहे शायद। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा बहाना नहीं बन सकता है इस समय। लाइट आवाज आवाज बढ़िया आ रहा है लाइट आप। लाइट, चार चार हाँ लोग ज्वाइन लाइट। हो सकते हैं। जी, चार चार लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम सोच ही रहे थे अभी कि हम अपनी सिस्टर को जोड़ें, रानी हृदय जी को, या गुरु जी आप अगर ठीक है, कंफर्टेबल है तो आप भी जुड़िए। अजय जी आप, आपका वो गाना रह गया था लास्ट वाला। आपने लिखा मैंने था मैंने जो लिखा था वो तो आपने गा दिया था।
देखिए आप दोष मेरा मत दीजिए, भूमिका आपने खुद तैयार किया था, मैंने तो आपने जो सोचा था उसको मैंने उसमें तराने, आपने कहा था ताने जो है वो तराने कैसे बन सकते हैं, वो मैंने बना दिया था। हाँ बहुत अच्छा लगा उस वो गाना, कम से कम 5 लोगों ने आज गा दिया। मैं आपके पास भेजूंगा सबके, अलग अलग जो है मेरे अच्छा साथ के लोग अच्छा हैं जो जो गाते हैं उनको हाँ भेजूंगा, अपने 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 सुर दो इसको, तो सब लोग गा रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्त कर, मैं भेजूंगा आपको उनकी सबकी रिकॉर्डिंग। हाँ मैंने लिखा उसी तर्ज पे था जो मैंने आपको बताया था, हाँ उस पे उस काफी पे काफी सटीक अच्छा है, बैठता है। काफी जी काफी अच्छा है, ओरिजिनल जैसा महसूस होता है। रिक्वेस्ट देखिए, आप लोग के आते हैं रिक्वेस्ट इतनी सारी बढ़ गई है, इतने रिक्वेस्ट आए हैं इसमें, लेकिन अभी हम लोग का थोड़ा बढ़िया एकदम पारिवारिक थोड़ा चल रहा है, तो हो जाए अजय जी। मैं तो इसीलिए इंतजार में था, जिस दिन कोई नहीं आएगा बहुत मुश्किल होगी उसी दिन आ जाऊंगा, तो मैंने देखा काफी देर से कोई आने। ये तो कैसे हो पाएगा, कोई नहीं आएगा, मैं हूं ना नहीं टेस्टिंग आप तो हो टेस्टिंग। ही, आप कोई नहीं हो ना सर। मैंने भेजा कुछ है अभी। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कोई लोगों के प्रॉब्लम साथ ये नहीं है क्या सर, कुछ कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम रहती है? नहीं है। हाँ नहीं यहाँ तो तो दिख रहा है मैं आपका सही, आवाज भी ठीक आ रहा है आपका तो। आज देखिए और अच्छा लग रहा है, और हो सकता है कि हम लोग 4 लोग जुड़ जाए, गुरुजी भी जुड़ जाए, बहुत बढ़िया बहुत क्या बात है, क्या बात, क्या बढ़िया पूरा मेरे हम रवि लोग का तो, घर परिवार यहाँ पे आ गया, इतना बढ़िया लग रहा है। रवि तो साहब पूरा जय पूरा जय जी, प्रयोग में लगा हुआ। प्रणाम, सादर प्रणाम। अजय जी आपको भी नमस्कार। एक्चुअली मैं अभी आया ही हूँ और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग चुकी है, मैं नोएडा से अभी आया हूँ दिल्ली। आपका ध्यान भटका देंगे हम, कोई बात नहीं मुझे तो आवाज आपके ठंड का तो ये है कि परेशान था, लेकिन मुझे अभी आप लोगों को कन्हैया देखा हूँ तो मुझे लगा नहीं मुझे जुड़ना ही चाहिए, मैं जुड़ूंगा ही। जी कह रहे हैं कि और हम आप मैं लोगों का स्क्रीन शॉट ले ठीक लेते हैं। कन्हैया जी आप जुड़ेंगे तो हम लोग आपका ले है लेंगे लग कोई बात। गुरु जी कल मैंने लग रहा कोई है, गाना हाँ, लग रहा है जैसे आज आज तक में हल्ला बोल चल रहा है या दंगल। गुरु जी कल मैंने कौन सा गाना जी बोला जी था एक बार बताइए, याद दिलाइए जो मेरे को अच्छा लगता अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है। है। हाँ, जब कोई फैसला कीजिए हमसे भी मशवरा कीजिए। सुनाऊं क्या? रुक हाँ जाओ, हाँ मेरे बहुत पसंद है मुझे ये गाना, हो जाए आज तो। एक आप मुझे एक सीधी ऐसे मिनट जुड़ा दे दो फिर। करेंगे सब लोग, घर मुलाकात मुमकिन नहीं, तीन लोग हम लोग पहले से जुड़े एक रहेंगे, एक चौथे को किसी को जोड़ लिया करेंगे ताकि और वैसा हो जाए, डर वर ना लगे। एक बहुत बड़ा परिवार बनाएंगे। ये जो गजल है मेरे को बहुत पसंद है, जब गुरुजी आते हैं तो मैं डिमांड करके अक्सर सुनती हूँ इस गाने को। इसमें बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं, घर मुलाकात मुमकिन नहीं याद ही कर लिया कीजिए। तो अभी आजकल तो बनाना पड़ता है, मैं ऐसे बैठ गया हूं, सही बवाल मुझे ठंड बवाल और कुछ जुर्म हीटर वगैरह चला लीजिए जिससे गर्मी आ जाएगी। लकड़ी लाइए उसको आग लगा दीजिए। भोजपुरी गाएंगे तो गाना गर्मी आ जाएगी। अभी देखिए कैसा। आज आ रही सही? हाँ ऐसा हाँ मजा एक आएगा नंबर, आपका हम लोग से ज्यादा साफ है नेटवर्क। अरबतिया जी, हमारी आपकी तो मुलाकात हो नहीं पाती है, तो हम ताने वहीं से शुरू कर। वाने तराने मुलाकात नहीं, गैर मुलाकात मुमकिन नहीं, कर लिया कीजिए जब कोई फैसला कीजिए, जब कोई फैसला कीजिए,
दिल से भी मशवरा कीजिए, जब कोई फैसला कीजिए, दिल से भी मशवरा कीजिए, जब कोई फैसला कीजिए, हमसे भी मशवरा कीजिए। एक शेर और इसमें सुनाऊंगा, मेरा अब शेर कप रहा है, बहुत ठंड लगा हुआ है, फिर भी मैं सुनाता हूँ। वक्त से हारना मौत है, वक्त से हारना मौत है, वाह वाह, वक्त का सामना कीजिए, जब कोई फैसला कीजिए, जब कोई फैसला कीजिए, दिल से भी मशवरा कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लाजवाब। गुरु जी आपको मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी आप कभी गाते हैं तो जब मैं आपका फेस देखती हूँ गाते हुए, तो ऐसा मेरे को तब होता था जब मैं पापा को गाते हुए देखती थी, तब मैं खूब रोती थी, और अब मैं मेरा फिर से ऐसा हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे को रोने का, जब किसी के चेहरे पे वो ईमानदारी आती है, आवाज में वो ईमानदारी आती है, कोई मतलब जमाने का कोई रंग ना चढ़ा हो, और इस तरीके का जब मैं देखती हूँ एक्सप्रेशन, तो अपने आप मेरे आंख में आंसू आने लग जाते हैं अपने आप ही। तो इसमें होता है कि जब हम ईमानदार लोगों को ईमानदारी पूर्वक सुनाना पड़ता है ना, स्टेज पे होता हूँ तो कैसे भी गा देता हूँ, लेकिन जब सामने चाचा जी जैसे लोग हों, अरबतिया जी जैसे लोग हों, तो फिर तो ईमानदारी पूर्वक। नहीं गुरु जी, मैं इसमें रोकना चाहूंगा आपको, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ईमानदारी पूर्वक गा दीजिएगा। कोई भी ईमानदारी पूर्वक नहीं गा सकता है, वो निकलता ही अंदर से है। आप यहाँ गाइए, मंच पे गाइए, कहीं भी गाइए, वो निकलता ही, मुझे ध्यान बनावटी हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ा सा भी बनावटी हो चुका है तो ईमानदार कभी बन ही नहीं सकता। नहीं नहीं मेरा मतलब ये है कि मुझे ये लगता है कि अभी कुछ बनावट ना हो, स्टेज पे तो वही सारी चीजें होती है, बहुत बार बोलने को कुछ भी बोल दिया, सुनाने को कुछ भी सुना दिया, बस पब्लिक को खुश करना है। अभी मुझे ऐसा कोई ये नहीं फीलिंग नहीं है कि मुझे किसी को खुश करना है, हाँ, बस मैं गा रहा हूँ, बस इतनी सी बात। ठीक है ठीक है, उसमें पब्लिक का, आप दोनों अपनी जगह सही हो, अजय जी बोलेंगे आप कुछ। नहीं नहीं इतने विद्वान लोग, इतनी विद्वत्व की बातें हो रही है, तो उसमें अपना अपना काम नहीं चलता। हम दोनों क्या करें फिर, दो लाइन गजल सुना देता हूँ, दिल की बात आ गई है तो अरबत्ता जी के लिए गजल सुनाता हूँ मैं। दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, बात तो होती मगर बात अधूरी रहती, दिल मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। देखिए क्या होता है कि थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ मैं, क्या होता है कि आपके लिए एक शुक्रिया तेरा, तेरे आने से
रौनके तो बजी शुक्रिया तेरा तेरे आने से, रौनके तो बढ़ी वरना महफिल जज्बात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, बात तो होती मगर बात अधूरी रहती, दिल मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। गुरुजी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं बहुत अब इमोशनल हो रही हूँ। और कानाते अधूरी रहती, तुम न मिलते तो मुकालाते अधूरी। अभी इमोशन है बदल जाएगी। आप गुरु जी और अजय जी दोनों दोनों संस्कृति पे के बातों पे ध्यान दीजिए, वो उनको एक बार आप लोग संबोधित कर दीजिए संस्कृति को, गुरु जी भी और संस्कृति जी करिए। बीच में साथ में है, बीच में कोई नहीं, सब साथ हैं, हम सब साथ साथ हैं। आज थोड़ा मैंने संस्कृति लाइन आया है संस्कृति जी के लिए, शायद वो सुनी होंगी अगर वो लाइव में जुड़ी है तो, मैंने उनके लिए गाया है, मैं दोहरा देता हूँ उनके लिए। शुक्रिया तेरा तेरे आने से, रौनक तो बढ़ी शुक्रिया तेरा तेरे आने से, रौनक तो बढ़ी महफिल लाइफ, ये भी एक महफिल है। वरना महफिल जज्बात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। एक लाइन तो हमारे गार्जियन स्वरूप चाचा जी के लिए भी बनता है। तूने दामन में छुपाए मेरे आंसू, वरना तूने दामन में छुपाए मेरे आंसू, वरना मेरी आँखों की ये बरसात अधूरी रहती, मेरी आँखों की ये बरसात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। पूरा भावुक कर दिया आपने तो मुझे भी। अब तो रूपम तो संभाल नहीं पाएगी मंच, तो मैं ही संभाल रहा हूँ। सभी के चेहरे पर वो बात नहीं होती, सभी के चेहरे पर वो बात नहीं होती, थोड़े से अंधेरे से कोई रात नहीं होती, जिंदगी में कुछ लोग बहुत प्यारे होते। क्या बात, क्या बात,
क्या बात, क्या करे उनसे रोज मुलाकात नहीं होती। और लाइव मुलाकात का एक बहाना है ये रवि ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि बहुत सारे लोग हम जुड़ गए जी। मैं अभी धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कन्हैया जी का, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मतलब एक से ज्यादा लोग ज्वाइन हो सकते नहीं, फिर उन्होंने तभी मेरी बात सुन ली और उन्होंने कहा कि हाँ हो सकते हैं, फिर उन्होंने कहा कि चार लोग भी जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी आपका, और वो अभी भी कुछ कुछ कह रहे हैं, बीच में मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो सीमा सिंह जी जुड़ी है लखनऊ से, ये टीचर है। सीमा सिंह जी को प्रणाम कर रहे हैं हम लोग, स्वागत कर रहे हैं उनका। और गुरुजी को पता है, मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं वो, कि मैं कभी भी बहुत बड़े बड़े सपने नहीं देखती, लेकिन आज जो हो रहा है वो सपना मैंने कभी ना कभी देखा था। और बाकी सब बातें एक तरफ होती है, लेकिन संबंधों का जो मिठास होता है वो मेरे को रुला देता है। मेरे जीवन का मुझे लगता है एक ही ये पर्पस है कि इंसानों में मतलब मानवता आए और हम लोग इतना प्रेम पूर्वक रहे। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि गुरु जी भी इतने भावुक होते हैं, और गुरु शिष्य परंपरा अभी भी कायम है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और बहुत इच्छा होती है कि मैं क्या कर दूं ऐसा, लेकिन गुरु के सामने औकात कह लीजिए, औकात ही बहुत कम है। और जब गुरु जी गाते हैं तो उनका पूरा जीवन दर्शन हम लोग को हो जाता है, कि ऐसा नहीं है कि गुरु जी हैं बहुत अच्छे हैं तो सबने अच्छा ही किया होगा इनके साथ। अब तक बहुत ही कटु अनुभव भी रहा है इनका, वही सब चीज सोच के भी हो जाता है कभी कभी इमोशनल मोमेंट। और आज तो बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही, आज जो आंसू निकल रहे हैं वो बहुत ही कीमती मैं समझूंगी, मेरे बहुत कीमती आंसू निकल रहे हैं और बता नहीं सकती, बहुत खुशी हो रही है। और जितना हो सकेगा मैं आपके चरण कमलों में जरूर इतना अर्पण करूंगी। गुरु जी कभी कभी कहते थे कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हारा जब कन्यादान हो तो मेरे हाथ से हो। तो सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाती है, तो और वही कारण होता है कि आंसू आ जाते हैं। इस तरह के गुरु भी नहीं है, मिलेंगे कहीं, और यही कारण रहा कि मैं कहीं जा नहीं पाई, क्योंकि जो भी चीज हम में आप देख रहे हैं वो मेरे पिताजी की झलक है, वो मेरे गुरु जी की झलक है। तो एक ही चीज है दिमाग में कि जितना हो सकेगा अपना जीवन, जितना हो सकेगा इन दोनों के चरणों में हम लोग रखेंगे, सदैव अर्पण करेंगे, जो काम भी करेंगे उनमें ये सोच हमेशा कायम रहेगी, जो मेरे पिताजी का और गुरु जी का सिर कभी भी ना झुके, बस इतना ख्याल रखेंगे हर एक गतिविधि में, इतना हम। अजय जी ये गुरु शिष्य तो सबको रुलाने पे तुला हुआ, आप ही कुछ कीजिए, ऐसे थोड़ा ना होता है। बिल्कुल बोलना चाहिए, आप बोलिए। रवि जो है, रवि एग्जैक्टली वही फील करते हैं जो मैं फील करती हूँ, लेकिन वो एक्सप्रेसिव उतने नहीं है। मेरा क्या होता है कि मैं अपनी बातें स्पष्ट तरीके से कह पाती हूँ, ये अपनी बातें उतने स्पष्ट तरीके से नहीं कह पाते, लेकिन एक ऐसा कनेक्शन है हम दोनों का कि अगर हम दोनों ऐसे बैठे हुए तो मैं इनका माइंड पूरा रीड कर सकती हूँ, इनकी भावना पूरी पढ़ सकती हूँ। तो कन्हैया जी अब कह रहे हैं 6 लोग ज्वाइन से हो कौसो के चलते। मुझे चाहिए। तो गुरुजी आपने जब ये सब सीखा था, जब मतलब आपने तो सीखा ये कहीं से, तो कभी आपने उसमें सोचा होगा कि ऐसे हम सीए साहब से भी एक दिन मिलेंगे? हाँ, ये सवाल, ये सर, यही सही है सवाल, ये कपिल बारे में कहने जा रहा हूं ना, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। देखिए आज के समय में कपिल शर्मा की स्टाइल है, कपिल शर्मा पूछता है सबसे कि साहब आप एक्टिंग करनी शुरू की तब सोचा था कैसे कपिल शर्मा के शो में जाएंगे हम? हमने तो कभी नहीं सोचा मैं था। मैं तो सामने से मिल पाऊंगा, शायद अगले महीने मिल लूं। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना काल थोड़ा कम हो जाए, हो जाएगा। नहीं, मुझे आप देना है रूपम के लिए, मुझे कुछ कहना है, मुझे 30 सेकंड चाहिए।
क्या करें। हाँ कहिए। आज के समय में गुरु मिलना बड़ा आसान है, गुरु आपको मिल जाएंगे, लेकिन इतने अच्छे डेडिकेटेड शिष्य मिलना बहुत ही मुश्किल है। गुरु के गुरु बारे तो में आप अभी इंटरनेट तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इतने ईमानदार शिष्य मिलना बहुत ही मुश्किल है, ये मेरा 20 साल का अनुभव कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं 1998 से संगीत में गा बजा रहा हूँ, और 1998 में मैं 12 साल का था, तब मेरा जुलाई में पहला शो आया था टेलीविजन पे, नन्हे मुन्ने कार्यक्रम, वहां से जो मुझे चेक मिला था पैसा निकालने का, तब अकाउंट नहीं थे मेरे पास, वो अभी भी रखा हुआ है, 150 रुपए का चेक मिला था मुजफ्फरपुर प्रदर्शन से। तो तब से मैं म्यूजिक लाइन में जुड़ा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों को नजदीक से जाना, लेकिन मैं आज मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आज के डेट में आपको गुरु मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छे शिष्य में से बहुत ही कम लोग, आप अभी क्या होता है कि लोग आपसे सीखेंगे, वो कल होके आपके गुरु बन जाएंगे। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा है बड़े बड़े लोगों को, वो कह देंगे, फटाफट कह देंगे, मैं जो बोल रहा हूँ अभी ऑनलाइन बोल रहा हूँ, फेसबुक पे बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं कोई पूरे जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, वो लोग सीख लेंगे, उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो किसी से सीखा नहीं, सपने में गुरु जी आए थे सिखा के गवा दिए, नहीं गुरु जी लेकिन को, इतने गुरु जी को कुछ ईमानदार नहीं आता है। वो जो भी हो, मुझे बारे में कुछ नहीं कहना, बस मैं बता रहा हूँ, चूंकि मुझे उदाहरण देना पड़ता है कि अच्छा और ये अच्छे कैसे हैं, इसलिए मैं ये बोला हूँ। इतने ईमानदारी से बहुत कम लोग किसी आज के डेट में बता रहे हैं कि हमारे गुरु हैं, नहीं तो लोग नहीं कहते किसी को, तो अपने आप सीख के आते हैं। तो चलिए, इनकी बहुत ईमानदारी पे गुरु के बहुत बारे ही भरोसा है। गुरु के बारे में अपने संत लोग हैं, अपने ग्रंथ हैं, अपने जो पुराण वगैरह सब में ये चीज लिखी हुई है कि आप अच्छे शिष्य बन जाइए, गुरु आपको अपने आप खोज लेगा, गुरु को कहीं भी खोजने की आपको जरूरत नहीं है। और ये चीज मेरे साथ सच हुई है, ये चीज मेरे साथ सच हुई है, ये गुरुजी जानते हैं, गुरुजी ने कैसे कैसे इनकी नजर गई मुझ पे और कैसे मुझे उस समय जरूरत भी थी और परमात्मा ने इन्होंने इनको भेजा अपने आप। तो इस तरह के कई मिरेकल होते रहते हैं लाइफ में। योग्य शिष्य में आपकी भी गिनती होती है, योग्य शिष्य में कुछ किरण झा जी लोग हैं। किरण झा जी भी गुरु जी की शिष्या है, योगी गुरु की योग्य शिष्या। तो नहीं, कुछ कुछ लोग हैं जो अभी भी योग्य हैं, सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन जो महत्वाकांक्षी लोग हैं ऐसे हैं, मैंने देखा है, बहुत बड़े कलाकार को मैंने देखा है, वो अपने गुरु को सामने बैठने नहीं दिया, उसने कहा कि मैं तो खुद ही सीखा हूँ, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने देखा। जबकि गुरु का महत्व इतना है, हृदय साहब आप तो जानते ही हैं, आपके सामने क्या बोलूं मैं। गोस्वामी संगीत जगत ने जब श्री रामचरितमानस की शुरुआत की तो सबसे पहले गुरु की वंदना की है, गुरु बिल्कुल, वंदना बिल्कुल। से इतनी बड़े ग्रंथ की शुरुआत हुई है। सही बात है। गुरु नहीं, अभी भी संगीत में गुरु है। हम लोग तो बहुत गुरु जी को मानते हैं, हमारे गुरु जी अभी कहने की 3-4 दिन तक तुम्हें रोड पे खड़ा रहना है, तो मैं रोड पे खड़ा रहूंगा, हिलूंगा नहीं वहां से, तभी आप गुरु जी बन पाए हो ना। गुरु जी की, गुरु और शिष्य की जो जोड़ी होती है वो किसी दिन आपको दिखाएंगे, जब गुरु जी के गुरु जी जुड़ेंगे, बड़े गुरु। वो तो हम बड़े गुरु जी कहते हैं उनको, कमाल है, एकदम कमाल से ऊपर। आपको हो सके तो एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए, एक बार वो दोबारा। तो देवता है। हाँ, उनका उनकी आवाज भी आप सुनेंगे ऐसा मक्खन की तरह आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है। हम लोग का सौभाग्य होगा अगर वो किसी दिन आएंगे, एक बार ये चीज उनको दिखा दीजिएगा कि हम लोग वेट कर रहे हैं। गुरु जी को रिक्वेस्ट किया था और वो जुड़ेंगे, वो इतने अच्छे गुरु हैं कि हमारी बात को भी नहीं काटते। कल रात को मैंने गुरु के ऊपर लिखा था, हृदय साहब आपने पढ़ा भी था मेरा पोस्ट वो। हाँ पढ़ा था मैंने गुरु के ऊपर। तो गुरु का किरण जी आप नीचे नहीं, आप हमारे बहुत समकक्ष हो, आपको भी उतना ही हम मानते हैं जितना और 2-4 शिष्यों को मानते हैं। अब मेरे पास कोई ज्यादा शिष्य है नहीं, बस 2-3 ही हैं, और मुझे अब ज्यादा बनाना भी नहीं है, उसमें से आप भी हैं।
बिल्कुल आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब लाइव का समापन किया जाए, रात हो चुकी है बहुत ज्यादा और बातों बातों दो लाइनों से कर दीजिए गुरु। हाँ, हाँ, आप कर दीजिए दो लाइनों से। आप समाप्त करेंगे। बंदं गुरु पद पदु में परागा सुरचि सुबासे सरस अनुरागा। बंदं गुरु पद पदु में परागा सुरचि सुबासे सरस अनुरागा। बंदं गुरु पद। ठीक है, तो अब सत्य सत्य तुमको प्रणाम सदे गुरु तुमको प्रणाम। सत्य सत्य तुमको प्रणाम सदे गुरु तुमको प्रणाम। तो इसी के साथ हृदय नमस्कार, हृदय परिवार के साथ हृदय नमस्कार आप सभी को। जितने भी बड़े हैं सभी को प्रणाम करते हैं, जितने भी छोटे हैं सभी को हमारा भरपूर स्नेह है, बहुत ही कुछ कह रहे हैं। जी कहिए गुरु जी। मैं कह रहा हूँ सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, अजय जी को, संस्कृति जी को नमस्कार, प्राची जी को प्रणाम। तो इसी के साथ और जितने बहुत ही मतलब सोचा, लाइव शुरू होने से पहले सोचा भी नहीं होता है कि इतना जबरदस्त कुछ होने वाला है, और यही चीज एक सरप्राइज गिफ्ट की तरह रहता है हमारे लिए। और बहुत बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज। और ये वाला हम लोग सबसे पहले जो हम लोग YouTube पे डालने का हम लोग कह रहे थे कि लाइव के जो वीडियो चैट के सेशन होते हैं वो YouTube पे डालेंगे, तो हम लोग इसी चैट से हम लोग YouTube के इसका शुरुआत करेंगे। बहुत ही जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा ये पूरा जो चैट हम लोग का हुआ है अभी, वो आप सभी को YouTube पे मिलेगा रूपम हृदय चैनल पे। तो मिलते हैं फिर से कल 8:45 पे फिर कुछ यादगार नगमों के साथ। कल तो गुरु जी का दिन है, तो गुरु जी मिलेगा कल मैं। अच्छा किरण जी, आपके आशीर्वाद हमेशा है और कल हम आपके पास आने भी वाले हैं। तो ठीक है, उस तरीके का लाइव हो तो और बेहतर है। तो चलिए सभी को हम दोनों प्रणाम करते हैं, सभी को शुभ रात्रि।